today we will start with notebook, the things, the stuff which we are supposed to write in our notebook. I have already sent you a PDF format of this worksheets, right? आपको ऑलरेडी आपको वर्कशीट मैंने भेज दी थी थोड़ी देर पहले ही आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आप देख लीजिएगा. गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई कैन सी योर कमेंट्स, आपके कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं. विल स्टार्ट इन अ मिनट. Till then, I'll tell you that today we are going to solve all the four worksheets. चार worksheets हैं, right? मैंने आपको already आपके WhatsApp group में भेज दिए, आपने already उसको देख लिया होगा, I think. ये worksheet आपके WhatsApp group में है. गुड मॉर्निंग नयश्री, गुड मॉर्निंग करुण, गुड मॉर्निंग वेद पटेल, गुड मॉर्निंग सानवी, एवरीबडी गुड मॉर्निंग. आप सब लोग मैथ्स पढ़ने के लिए एक्साइटेड होंगे. कल आपको पता ही है कि कल हमने देखा था टेक्स्ट बुक वाले पोर्शन में कैलकुलेशन जो ब्रिक्स के हमने अलग अलग किए थे. आई होप आप सब ने उसको एंजॉय किया होगा, अच्छे से किया होगा. जो लोग कल की क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे या कल का वीडियो नहीं देख पाए थे, वो लोग अपना फिर से वही लिंक से जाकर वीडियो चेक कर सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोडेड है. अगर आपको टेक्स्ट बुक पोर्शन में कुछ बाकी है तो आप टेक्स्ट बुक पोर्शन वहाँ से फिर से वो वीडियो को देखकर कंप्लीट कर सकते हैं. और ये जो लाइव सेशन चल रहा है, इसका भी वीडियो थोड़ी देर में, जैसे ये लाइव सेशन कम्प्लीट हो जाएगा उसके थोड़ी ही देर में वो वापस से अपलोड हो जाएगा और उस समय आप उसको भी देख सकते हैं. तो ये वीडियो सारे सेव रहते हैं चैनल में, आप जब चाहे इस वीडियो को प्ले करके, जब भी आपके पास नेटवर्क अच्छा हो या जब भी आप अपने पेरेंट्स के सामने हो तब आप इसको ओपन करके आप इसको फिर से पढ़ाई कर सकते हैं. गुड मॉर्निंग आनंद पटेल वाले आईडी से, मोक्षा महर्षि गुड मॉर्निंग, देन यक्ष, सुमित सोलंकी, वेदी पटेल, त्रिशा, केनल पटेल वाले आईडी से, दीप्ति ब्रह्मभट वाले आईडी से, सुनीता जरिया वाले आईडी से, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई कैन सी योर मैसेजेस. ओके नयश्री, आई सी योर वर्क लेटर ऑन. गुड मॉर्निंग एवरीवन. जैनम मकवाणा, आरव महिड़ा, गुड मॉर्निंग एवरीवन. आई कैन सी योर मैसेजेस. मलिक फिरदोश, गुड मॉर्निंग. ओके, सो वन मोर मिनट, इफ सम मोर पीपल विल ज्वाइन, आई विल वेट फॉर वन मोर मिनट एंड देन विल स्टार्ट. सो दिव्य, देन माहिर, गुड मॉर्निंग. सो फिर से मैं आपको बता दूं कि मैं ऑलरेडी आपको ये वर्कशीट आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, जो अपने फोर्थ क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ऑलरेडी मैं इसको भेज चुका हूँ, आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा. और यही वर्कशीट जो है आपको नोटबुक में वापस से लिखना है, राइट? आप नोटबुक में क्या करेंगे, इस वर्कशीट को एज इट इज़ कॉपी करेंगे. आपके पास सॉफ्ट कॉपी है वर्कशीट की मोबाइल के अंदर, उसमें से देखकर आपको उसमें लिख देना है, बस इतना ही सिंपल है ना. नोटबुक आप सिर्फ पेंसिल से लिखेंगे. कल कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर हमको पेन अलाउड है क्या? नहीं, नो, यू आर नॉट अलाउड टू राइट विद पेन. आप अपनी नोटबुक में सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से लिखेंगे, राइट? सो लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज सेशन, राइट? तो सबसे पहले हम पेज नंबर 1 सॉल्व करते हैं. पेज नंबर 1, उस पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दी हुई है, मैं आपको आपके स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, यू विल बी एबल टू सी इट. राइट, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है अ ब्रिक हैज डैश एजेस, राइट? ब्रिक हैज डैश एजेस,
तो ये जो क्वेश्चन है हमने ड्यूरिंग द जब हम टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तब भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा था कि ब्रिक हैज डैश एजेस, राइट, यू नो इट। सो एजेस क्या है, राइट? आप एक ब्रिक को लेंगे और ब्रिक की धार काउंट करेंगे, हाउ मेनी एजेस द ब्रिक डज हैव। तो आप अगर सारी एजेस काउंट करेंगे यू विल नो दैट इट हैज। क्या आपको पता है ब्रिक के कितने एजेस होते हैं? यू कैन राइट इट इन टू द चैट बॉक्स। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि ब्रिक्स की कितनी एजेस होती है। जैनम ने लिखा है 8। ओके, और कोई जो लिखना चाहता है चैट बॉक्स में, सब लोग 8, 8, 8, 6 लिख रहे हैं। और कोई कुछ लिखना चाहता है एजेस कितने होते हैं ब्रिक्स के एजेस? ओके, सबसे पहले मुझे करेक्ट आंसर जो मिला है वो महर्षि पटेल वाली आईडी से मिला है, दैट इज 12 एंड इट इज करेक्ट आंसर। जो 6 है वो फेसेस है, 8 उसके कॉर्नर्स है, राइट? हम बात कर रहे हैं उसकी एजेस के बारे में, राइट, ब्रिक की एजेस के बारे में। जो जो लोग ये 6, 8, 6, 8 लिख रहे हैं वो फिर से एक बार अपने एक ब्रिक लीजिए, ब्रिक की एजेस जो उसकी धार होती है, राइट, वो काउंट करें और आपको पता चल जाएगा कि इट हैज 12 एजेस, राइट, ब्रिक की 12 एजेस होती है, राइट, या किसी भी क्यूबॉइड, आप कोई भी बॉक्स ले सकते हैं, बॉक्स के अंदर भी आप बॉक्स के भी जो एजेस अगर आप काउंट करेंगे, आई विल शो यू अ बॉक्स। सी दिस इज अ बॉक्स, आप देखिए बॉक्स ब्रिक के शेप का ही है, क्यूबॉइड शेप का ही है, राइट? तो अगर हम इसकी एजेस के बारे में बात करते हैं, एजेस के बारे में बात करते हैं, जब भी किसी क्यूबॉइड शेप की एजेस के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी धार को काउंट करेंगे। देखो ये वाली जो होती है ये इसकी एज है, राइट, जो ये है वो उसकी एज है। तो अगर हम काउंट करेंगे तो देखिए 1, ये 2, देन यहाँ पर 3 एंड 4, 4 एजेस है, राइट? तो यहाँ पर ये सर्कल में 4 एजेस है, यहाँ पर बाकी की 5, 6, 7 एंड 8, ये जो एज है वो भी 4 है, 4 + 4, 8, और इसी तरह इस साइड भी 1, 2, 3 एंड ये वाली 4, सो टोटल 4 + 4 + 4 देर आर 12 एजेस। सो व्हाट यू विल राइट इन टू द आंसर, यू विल राइट 12 एज अ आंसर, राइट? तो आपकी जो वर्कशीट है, राइट, आपकी वर्कशीट में अभी मैं आपको 12 लिख के दिखा रहा हूँ, आप लोग अपनी नोटबुक में इसको कॉपी करेंगे, यू विल कॉपी डाउन इन योर नोटबुक दिस फर्स्ट वाला, ठीक, 12। अब सबके आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, नयश्री सानवी, बहुत सारे लोगों के आंसर्स मुझे अब दिख रहे हैं, वेरी गुड, वो करेक्ट आंसर्स है, राइट? सो हमने बात की एजेस के बारे में, नंदिनी, वेरी गुड। सो अ ब्रिक हैज 12 एजेस, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्क्वायर हैज डैश साइड्स, एक स्क्वायर में कितनी साइड्स होती है, राइट? आई एम ड्रॉइंग अ स्क्वायर ऑन द बोर्ड, देखिए यहाँ पर ये स्क्वायर है, तो आपको बताना है कि इसकी साइड्स कितनी है, साइड्स मतलब ये जो लाइन से ये स्क्वायर बना हुआ है वो उसकी साइड्स है, राइट? तो यहाँ पर ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, तो स्क्वायर की साइड्स कितनी होगी, राइट इन टू द चैट बॉक्स, वेरी गुड, भूमि शर्मा, वेरी गुड, सुनीता जरे वाली आईडी से, वेरी गुड, महर्षि, वेरी गुड, सुमित, वेरी गुड, सानवी, वेरी गुड, एंड देन आई कैन सी सम मोर नेम्स, अरहम, वेरी गुड, देन आनंद प्रयोशा, वेरी गुड, कर्म, वेरी गुड, आरव, वेरी गुड, यक्ष, योगेश पटेल वाले आईडी से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर्स, राइट, जिग्ना शुक्ला, मलिक फिरदोस, आरव मेड़ा, मोक्ष पारेख, वेदी पटेल, आई थिंक लास्ट वाला आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, सबके आंसर्स करेक्ट है, बहुत बढ़िया। गुंजन भट्ट वाले, यक्ष गुंजन भट्ट वाले आईडी से, प्रमोद चौबे वाले आईडी से, रेनू यादव, सो आंसर विल बी 4, तो सेकंड ब्लैंक है उसका आंसर हम लिखेंगे 4, राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू ऑल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो द आंसर विल बी 4, द स्क्वायर हैज 4 साइड। अब देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन, अ रेक्टेंगल हैज डैश फेसेस, रेक्टेंगल के कितने फेसेस होते हैं, राइट? तो वैसे ही जितने फेसेस आप क्यूबॉइड के काउंट करते हैं उतने ही आप रेक्टेंगल के भी काउंट करेंगे। देखिए इसके कितने फेसेस है, तो जब आप पहले वाला आंसर दे रहे थे 6, 6, 6, 6 करके आंसर दे रहे थे, राइट, सो दैट आंसर इज फॉर फेसेस, राइट? तो जब भी आप क्यूबॉइड या रेक्टेंगल का फेसेस काउंट करें तो क्या क्या काउंट करते हैं हम उसमें, ये इस बॉक्स की मदद से हम सीख लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसका एक फेस होता है टॉप, राइट,
एक होता है बॉटम, राइट, टॉप बॉटम दो फेसेस हो गए, फ्रंट बैक दो फेसेस हो गए, टॉप बॉटम फ्रंट बैक टोटल 2+2 फोर फेसेस हो गए, एंड राइट एंड लेफ्ट दैट इज इक्वल्स टू 6. तो यू विल राइट द आंसर 6. तो बहुत सारे लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड. आई एम गेटिंग आंसर विश्वराज डोडिया, त्रिशा सोलंकी, योगेश पटेल, महर्षि वेद पटेल, देन मोक्षा ने आई थिंक ओके राइट नो प्रॉब्लम, रोहन सा, योगेश पटेल, वेरी गुड, एंड अगेन देविक सुतार, सुनीता जरिया, मोक्ष, नैश्री, सबके आंसर्स करेक्ट है, वेरी गुड. रेणु यादव, स्मिथ, रोहित, गुंजन, यक्ष गुंजन भट्ट, मोक्ष पटेल, मोक्ष परे, कर्म, देन रोहन शाह वाले एडी से, वेरी गुड. जैनम मकवाना, वेरी गुड वेरी गुड. आप सबके आंसर्स करेक्ट है. आई एम वेरी हैप्पी कि आपको ये सब आ रहा है. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. टेक्स्ट बुक सॉल्व करने के बाद ये वर्कशीट सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड. और बिग फैट लाइक टू एवरीवन, आप सबको बहुत सारे लाइक्स, वेरी गुड. आप सब सही कमेंट्स कर रहे हैं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ओके सो लेट अस मूव फर्दर. अ सोप हैज, राइट, अ सोप की देखो, सोप अगर आप जो बाथ सोप आप ले लीजिए या फिर आप वॉशिंग सोप ले लीजिए, आपके घर में जो यूज़ करते हैं, राइट, दैट इज ऑल्सो ऑफ क्यूबॉइड शेप. आपके घर में जो बाथ सोप या जो भी आता है वो क्यूबॉइड शेप का ही आता है, राइट, ओके, राइट. तो बाथ सोप का, बाथ सोप के कितने फेसेस होंगे, राइट, राइट योर आंसर इन टू द चैट बॉक्स. बाथ सोप के कितने फेसेस होंगे, बाथ सोप के फेसेस, आपके घर में जो सोप है उसके फेसेस के बारे में पूछ रहा हूं, कितने फेसेस होंगे सोप के. ओके महर्षि पटेल, वेरी गुड, 6 आंसर इज करेक्ट महर्षि पटेल, वेरी गुड. मोक्ष परेख, वेरी गुड. जयनाम, वेरी गुड. सुनीता जरिया वाले आईडी से, योगेश पटेल वाले आईडी से, रोहन शाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. जिन लोगों ने 6 फेसेस लिखा है दैट इज वेरी गुड, करेक्ट आंसर्स. अगर आपके सोप का साइज या कुछ अलग है तो आपका आंसर अलग हो सकता है, बट इफ इट इज अ क्यूब, इफ इट इज ऑफ क्यूबॉइड शेप, अगर वो इसी बॉक्स के शेप का है तो आपका सोप 6 फेसेस वाला ही होगा, और 6 फेसेस वाला आंसर करेक्ट है. इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट. नैश्री ने एक रिक्वेस्ट भेजा है कि सर सारे आंसर्स रिपीट करना, राइट. तो जैसे ही ये फिल इन द, ये सारे ब्लैंक्स खत्म हो जाएंगे, मैं सारे आंसर्स आपको रिपीट करके बता दूंगा, डोंट वरी, राइट. सो फर्स्ट नेक्स्ट ब्लैंक पे चलते हैं, हम नेक्स्ट ब्लैंक देखेंगे. अगर आप नेक्स्ट ब्लैंक यहाँ पर है, अ क्यूबॉइडल बॉक्स हैज डैश कॉर्नर्स, मतलब ये जो बॉक्स है, राइट, ऐसा ही एक बॉक्स, उसके कितने कॉर्नर्स हैं, राइट, उसके कॉर्नर्स कितने हैं वो आपको बताना है. आई एम गिविंग यू टाइम, यू कैन राइट योर आंसर इन टू द चैट बॉक्स. आप चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं, राइट. क्यूबॉइडल बॉक्स में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 करेक्ट आंसर. माहिर जैनम मकवाना, वेरी गुड. किंजल वागेला वाले आईडी से, वेरी गुड. देन प्रमोद चौबे वाले आईडी से, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सबके आंसर, सुमित सोलंकी, यू नीड टू चेक योर आंसर. सुनीता जरिया वाले आईडी से, वेरी गुड. यक्ष, वेरी गुड. प्रयोशा, वेरी गुड. मलिक फिरदोश, मोक्ष पारेख, वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. जो जो लोग 8 आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड. मुबीन शेख, वेरी गुड. देन रंजन डामोर, दिव्यवाल, वेरी गुड. देन वेरी गुड. परम माई राठौड़ वाले आईडी से भी, वेरी गुड. सबका आंसर करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो हम देखेंगे कि जब हम किसी कॉर्नर को, कॉर्नर्स हमें अगर क्यूबॉइडल शेप की कॉर्नर्स अगर हम मेजर कर रहे हैं तो दोनों साइड आप देखेंगे यहाँ पर एक कॉर्नर बन रहा है ये वाला, देन 2, 3, 4, तो इस साइड पे 4 है, एंड अगेन उसके नेक्स्ट साइड पे भी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 1, 2, 3 and 4. So 4+4, 8. 8 is the correct answer. Right? Very good. Very good. 8 is the correct answer. Next, अगर हम देखेंगे, the number of faces in a brick is equal to. यहाँ पर देखिए. Next question. The number of faces in a brick is equal to. Brick के कितने faces होते हैं? Brick के faces, वो भी cuboid shape का है. तो उसके कितने faces होंगे? तो मैंने अभी अभी आपको बताया था कि एक टॉप होता है, एक बॉटम होता है, एक फ्रंट होता है, एक बैक, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड. टोटल हो जाएंगे 6. तो वेरी गुड सोएब भाई वाले आईडी से, वेरी गुड. सुनीता जरिया वाले आईडी से, यू नीड टू चेक योर आंसर. मोक्ष, वेरी गुड. एंड
रोहन शाह वाले आईडी से वेरी गुड, रेनू यादव वेरी गुड, योगेश पटेल यू नीड टू चेक योर आंसर, जयनम मकवाना वेरी गुड, जिस जो जो भी लोग सिक्स फेसेस लिख रहे हैं वेरी गुड, सिक्स इज द करेक्ट आंसर. सो द नंबर ऑफ फेसेस इन अ ब्रेक इज इक्वल्स टू सिक्स, राइट. छह फेसेस होते हैं, सिक्स फेसेस होते हैं, वेरी गुड, इट्स अ करेक्ट आंसर. सिक्स फेसेस इज द करेक्ट आंसर्स. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड दिव्या, वेरी गुड मलिक फिरदोस, वेरी गुड दैविक, आप एक बार आंसर को चेक कर लीजिएगा. स्मिथ वेरी गुड, मुबिन शेख वाली आईडी से वेरी गुड, सुनीता जरिया, नयश्री एंड स्मिथ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड आंसर्स, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, आई लाइक योर आंसर्स, वेरी गुड. माहिर, भाग्यश्री, मोक्स, वेद, बिग 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 लाइक्स टू यू ऑल, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड. सानवी, कृष्णा, वेरी गुड वेरी गुड. तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स अच्छे से आती है, आई एम श्योर कि ये फिल इन द ब्लैंक्स में से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स पीरियोडिक टेस्ट जो भी आपके होंगे जब आपका वैकेशन खत्म हो जाएगा और वापस आएंगे तो उसमें से कुछ फिल इन द ब्लैंक्स इसमें से ज़रूर आएंगे और आपको वो अच्छे से आ जाएंगे और आप सब लोग उसमें बहुत ही अच्छे स्कोर करेंगे, अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे. वेरी गुड बहुत बढ़िया वेरी गुड आई कैन सी योर कमेंट्स, वेरी गुड बहुत बढ़िया, राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइस, राइट. तो आपको डाइस पता है जिससे आप लूडो खेलते हैं, राइट, दिस कॉल्ड डाइस. सो डाइस हैज डैश फेसेस, डाइस के कितने फेसेस होते हैं, आई विल शो यू द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन. अ डाइस हैज डैश फेसेस, डाइस के कितने फेसेस होते हैं, यू कैन राइट योर आंसर इनटू द चैट बॉक्स. वेरी गुड किंजल वागेला, सिक्स फेसेस, वेरी गुड एंड वेरी गुड. प्रमोद चौबे वाले आईडी से करेक्ट, भूमि शर्मा यू नीड टू करेक्ट योर आंसर, कर्म वेरी गुड, जैनम वेरी गुड, दीक्षित एंड मोक्स वेरी गुड, एंड जिसका जिसका भी आंसर सिक्स है वेरी गुड, बहुत बढ़िया वेरी गुड वेरी गुड. यू आर टू फास्ट, आप बहुत फास्ट है, वेरी गुड. आई कैन नॉट इवन रीड दिस मैनी आंसर्स इन द वे यू आर टाइपिंग, सी यू आर वेरी फास्ट. मैं इतने फास्ट फास्ट कमेंट्स भी नहीं पढ़ रहा हूँ पर मैं देख रहा हूँ कि सब लोगों ने सिक्स 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 लिखा है, कुछ लोगों ने एट लिखा है, शायद वो पिछले वाले आंसर्स पे हैं या फिर कुछ और उन्होंने सोचा होगा, पर जो करेक्ट आंसर है वो सिक्स है. सिक्स फेसेस होते हैं, क्यूब के भी सिक्स फेसेस होते हैं, तो सिक्स इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सबको, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, राइट. सो लेट अस मूव अहेड. अ ब्रिक इज ए डैश डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, राइट. अ ब्रिक इज अ डैश डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अगर आप ब्रिक देखेंगे वो क्यूबॉइड शेप का होता है, वो डैश डायमेंशनल, डायमेंशनल मतलब वो कितने साइड से कितने डायमेंशन से वो दिखता है. सो वी विल राइट 3D, राइट, थ्री डायमेंशनल. तो हम सिर्फ थ्री लिखेंगे आंसर में. अ ब्रिक इज अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, अ ब्रिक इज अ थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, विल राइट थ्री इन द आंसर. वेरी गुड मोक्ष, वेरी गुड किंजल वागेला वाली आईडी से, वेरी गुड स्मिथ, वेरी गुड जैनम, वेरी गुड आरव महिड़ा, वेरी गुड सबके आंसर्स करेक्ट है. आई कैन सी 333 ऑल ओवर. किनल पटेल वाली आईडी से, योगेश पटेल वाली आईडी से, 1023 जयदीप राठवार, नयश्री वेरी गुड, सुनीता परमार वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सारे आंसर्स करेक्ट हैं. जितने जितने लोग थ्री लिख रहे हैं सबके आंसर्स करेक्ट है. वेरी गुड 3D, वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. ओके नाउ ट्राइंगल, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं ट्राइंगल वाला, ट्राइंगल हैज डैश साइड्स, राइट. ये वाला क्वेश्चन, अ ट्राइंगल हैज डैश साइड्स. तो आई ड्रॉ अ ट्राइंगल ओवर हियर. एज यू कैन सी आपको सिर्फ साइड्स काउंट करनी है, तो यू कैन सी देयर आर थ्री साइड्स. ट्राइंगल में कितने साइड्स हैं, थ्री. वेरी गुड. सो जितने भी लोग थ्री आंसर लिख रहे हैं वेरी गुड, सबके आंसर्स करेक्ट है. थ्री साइड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. थ्री साइड्स वेरी गुड. सो अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, वेरी गुड माहिर बड़वार, वेरी गुड. देन मोक्ष, यक्ष, नयश्री, आरव, रोहन, प्रयोशा, सानवी, भूमि, योगेश पटेल वाले आईडी से, स्मिथ, मलिक फिरदोस वाले आईडी से, जैनम, परम, नंदिनी, यक्ष, अरशद भोई वाले आईडी से, दिव्य, देन सोएब भाई वाले आईडी से, देन अगेन सबके आंसर्स करेक्ट है. वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी वेरी हैप्पी, यू नो द आंसर. वेरी गुड बहुत बढ़िया अ ट्राइंगल हैज थ्री साइड्स, वेरी गुड वेरी गुड. सो नेक्स्ट, अ ट्राइंगल हैज डैश
कॉर्नर्स, ट्राइंगल के कॉर्नर्स, राइट? हमें ट्राइंगल के कॉर्नर्स फाइंड आउट करने हैं. क्वेश्चन इज हियर, आई विल शो यू ऑन योर स्क्रीन. अ ट्राइंगल हैज डैश कॉर्नर्स, राइट? ट्राइंगल के कितने कॉर्नर्स हैं, राइट? सो ट्राइंगल हैज कितने, देखिए कितने कॉर्नर्स हैं, विल काउंट इट. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक कॉर्नर बन रहा है, तो 1, 2 and 3. सो वी कैन सी देर आर 3 कॉर्नर्स, राइट? सो वी कैन सी दैट अ ट्राइंगल हैज 3 कॉर्नर्स. तो ट्राइंगल के कॉर्नर्स हमें पूछे गए हैं, सो विल राइट द आंसर. ट्राइंगल हैज 3 कॉर्नर्स. वेरी गुड. जितने भी लोग 3333 लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. आई कैन सी ऑल योर मैसेजेस सेंड बाय यू इन द चैट बॉक्स. वेरी गुड. सब लोग ने 3 लिखा है और सब लोगों के आंसर करेक्ट है. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो हियर एंड्स योर, हियर एंड्स योर क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स. आप फिल इन द ब्लैंक्स वाला जो क्वेश्चन है आपका, वो यहाँ पर फिनिश हो जाता है. सो आप क्या करेंगे, मैं आपको ये आपकी स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ. एंड व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टाइम. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. अगर आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है तो आप बाद में इसको फिर से, यूट्यूब का वीडियो जब ये अपलोड हो जाता है तब आप उसको फिर से भी देख सकते हैं. वेरी गुड, सबको वेरी गुड. सो बिग लाइक्स टू यू ऑल. वेरी गुड. आप सब ने बहुत अच्छे से सारे आंसर्स किए और सारे आंसर्स चैट बॉक्स में लिख के दिए. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. आई एम लुकिंग एट योर आंसर्स. सबके आंसर्स करेक्ट, एक भी आंसर अभी तक गलत नहीं आया है. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. ओके, थैंक यू. सो स्मित रोहित ने ले लिया है, डन. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. इट मीन्स कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया. तो आप अब क्या करेंगे, आप जब भी उसको नोटबुक में लिखेंगे तो पहले अपने आंसर्स खुद लिख लेंगे, फिर इसके स्क्रीनशॉट के साथ उस आंसर्स को मैच करेंगे और अपने आप को टेस्ट करेंगे कि आपने कितने आंसर्स करेक्ट किया. आई होप कि आप सबके आंसर्स करेक्ट हो, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे उसी वर्कशीट में, पेज नंबर 1, जो वर्कशीट मैंने वर्कशीट नंबर 1 भेजी, उसी के नीचे आपको दिया गया है, कुछ शेप्स दिए गए हैं. देखिए यहाँ पर कुछ शेप्स दिए गए हैं वर्कशीट में, अगर आप देखेंगे. वेरी गुड जिगर शुक्ला आचार्य, जिग्ना शुक्ला आचार्य वाले एडी से कि मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया. वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड. सो ये देखिए आपके जो मैंने शेप्स आपको अभी दिखाई है, उसमें वन बाय वन हमको क्या करना है, यू हैव टू काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ फेसेस यू कैन सी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. वो जो फिगर्स हैं वो आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे एज इट इज़, या फिर अगर आपको ड्राइंग नहीं करना है तो आप इसकी प्रिंट निकाल के कट करके स्टिक भी कर सकते हो. आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको उसके काउंट फेसेस को काउंट करना है कि उसमें कितने फेसेस है. फिर आपको क्या करना है, देन कलर ईच ऑफ द फेसेस यूजिंग डिफरेंट कलर. जितने भी फेसेस है उसको आपको डिफरेंट कलर से कलर करना है. एक मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ, राइट? जो फर्स्ट फेस है क्यूबॉइड, जो फर्स्ट शेप है वो क्यूबॉइड शेप है, राइट? आई विल शो इट to you on the board. How to draw a brick, मैंने आपको सिखाया था. सबसे पहले एक rectangle draw कर लीजिए, उसके ऊपर एक ऐसी दो lines draw करके, right? तो एक अच्छे से आपका क्यूबॉइड शेप बन जाएगा. क्यूब भी ऐसे ही बनाते हैं, स्क्वायर बना के वैसे उसके ऊपर बना, सेम यही प्रोसेस है आपका. क्यूब और क्यूबॉइड दोनों बन जाता है, राइट? सो वेरी गुड. सो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काउंट करना है कि इसके कितने फेसेस आपको दिख रहे हैं. सो यू कैन सी द टॉप, आपको टॉप दिख रहा है, यहाँ पर टॉप दिख रहा है, आपकी राइट साइड आपको दिख रही है एंड फ्रंट साइड दिख रही है, मतलब 3 साइड्स आपको दिख रही है, 3 फेसेस दिख रहे हैं, राइट? यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड. यू कैन सी 3 फेसेस, 1 इज टॉप, 1 इज राइट साइड एंड 1 इज फ्रंट साइड. मतलब 3 साइड यू कैन सी, 3 फेसेस यू कैन सी, राइट? सो 3 फेसेस आपको दिख रहे हैं. तो सबसे पहले नीचे जो फिल इन द ब्लैंक है, राइट, ऐसे एक लाइन दी गई है, उसमें आप लिखेंगे थ्री फेसेस. आप लिख देंगे 3 फेसेस, राइट? 3 फेसेस मुझे सबके आंसर्स मिल रहे हैं. 3333. वेरी गुड, वेरी गुड. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो 3 फेसेस लिख देंगे. और अब आपको क्या करना है, आपको ये तीनों जगह पर,
अलग अलग कलर करने हैं, राइट, अलग अलग कलर्स करने हैं। तो आप इसको कलर्स करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें कलर्स करने के लिए आप सिर्फ पेंसिल कलर्स का यूज़ करेंगे, राइट। आप स्केच पेन वगैरह यूज़ करेंगे तो आपकी जो नोटबुक है वो थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, पीछे के पेज पे भी वो दिखने लग जाएगा, और अगर आप वो चॉक कलर्स और वैसे यूज़ करेंगे तो वो सामने के पेज पे छप सकता है। तो पेंसिल कलर इज़ द बेस्ट। आप तीनों जगह पर अलग अलग पेंसिल कलर से आप चाहे तो पैटर्न बना दीजिए या तो उसको फुल कलर कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपको अलग अलग लाइंस के द्वारा आपको बता देता हूँ कि कौन से थ्री फेसेस दिख रहे हैं हमें। मेरे पास अभी एक ही कलर का पेन अवेलेबल है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा पैटर्न से आपको अलग अलग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। सो यू कैन सी थ्री फेसेस, तीन फेसेस अलग अलग आपको दिख रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, नेक्स्ट जो शेप है यहाँ पर दिस वन, जहाँ पे मेरी फिंगर है वो वाला शेप जो है, आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे कि आपको कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं, इस शेप के कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं आपको, हाउ मेनी फेसेस आर विजिबल। देखिए आप इस शेप जो ड्रॉ किया हुआ है उसमें कितने फेसेस दिखाई दे रहे हैं, ध्यान से देखिए। ओके, कर्म वेरी गुड, आरव वेरी गुड, मोक्ष वेरी गुड, किंजल वागेले वाली आईडी से वेरी गुड, प्रमोद चौबे वाले आईडी से वेरी गुड, और बाकी सारे जो जो लोग टू लिख रहे हैं वो सब के आंसर्स करेक्ट है। यू कैन सी ओनली टू फेसेस, ये जो नेक्स्ट फिगर है आप उसमें सिर्फ दो फेसेस देख पा रहे हैं। अब देखिए तो यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक, एक साइड वाला और एक फ्रंट वाला, दो फेसेस आप देख पा रहे हैं। तो उसके नीचे जो लाइन है वहाँ पर यू विल राइट टू फेसेस, एंड ये जो दोनों फेस है जो उसमें आप कलर्स करेंगे अलग अलग, मेरे पास कलर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब आप पेंसिल कलर से अपने नोटबुक में उसको अलग अलग कलर से कलर करोगे तो बहुत ही क्रिएटिव लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। सो आई इंसिस्ट कि आप सब लोग उसको उसी तरह अच्छे से करें, राइट। तो ये दोनों फेसेस को मैं अलग अलग लाइन से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, टू, वेरी गुड, वेरी गुड, टू। तो आप लोग जब इसको कलर करें तब थोड़ा सा ध्यान से अलग से अलग अलग कलर्स का यूज़ करना, आपके फेवरेट कलर्स यूज़ करना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप सबका सेम हो, सबका अलग अलग और क्रिएटिव हो वही अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट वाला से जहाँ पे मेरी फिंगर है तो आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, ये वाला दिस वन, कितने फेसेस दिख रहे हैं, हाउ मेनी फेसेस यू कैन सी फॉर दिस शेप, दिस इज अ रेक्टेंगल, आपको कितने फेसेस दिख रहे हैं, हाउ मेनी फेसेस आर विजिबल, ध्यान से देखिए। वन, वेरी गुड दीक्षांत, कथन पटेल वेरी गुड, कर्म नंदिनी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, स्मिथ वेरी गुड, किंजल वागेला, स्मिथ, जैनम, रिशा, कृष्णा, ईश्वरदान, आरव, नयश्री, स्मिथ, सबके आंसर्स करेक्ट है, वेरी गुड। जो जो लोग वन लिख रहे हैं बिग फैट लाइक, आप सबको बहुत सारे लाइक्स, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सो आपको बताइए कि उसमें एक ही फेस दिख रहा है,
रेक्टेंगल है, राइट, तो नीचे आप लिख देंगे वन फेस, राइट, नीचे आप लिख देंगे वन फेस एंड यहाँ पर आप आपको मन पसंद कलर कर देंगे, राइट, वेरी गुड वेरी गुड, सबके आंसर्स करेक्ट है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब एक लास्ट वाला, इसके बाद हम एक लास्ट वाला जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट करते हैं एंड देन वी विल फिनिश अवर वर्कशीट नंबर वन। एक लास्ट वाला बचा है उसके बाद हमारा वर्कशीट नंबर वन कंप्लीट होने वाला है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार, वेरी गुड, सबके जिसके जिसके आंसर वन लिखे हुए, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब देखिए ये वाला शेप आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से देखिए, देखो फिंगर भी है मेरी वहाँ पर, वेरी गुड। ये जो लोग टू टू लिखना शुरू हो गए, वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, दो फेसेस दिख रहे हैं आपको उसके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कृष्णा स्मित, वेरी गुड, कर्म, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो यू कैन सी टू फेसेस, राइट, आपको दो फेसेस दिखाई दे रहे होंगे उसके, आपको दोनों फेसेस यहाँ पे पहले तो नीचे ब्लैंक में आप लिख देंगे टू फेसेस, ब्लैंक में आप लिखेंगे टू फेसेस एंड दोनों जगह पर आप कलर कर देंगे दोनों फेस में उसके। इसके हमें टू फेसेस दिख रहे हैं, एक टॉप है और एक फ्रंट है, राइट, एक टॉप है और एक फ्रंट है, दो फेसेस हमको दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो टॉप फेस एंड फ्रंट फेस दोनों दिखाई दे रहे, तो हम विल राइट टू फेसेस एंड विल कलर बोथ द फेसेस, राइट, दोनों फेसेस में अलग अलग कलर कर देंगे आप लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत। तो इसी के साथ हमारा जो ये वर्कशीट नंबर वन है, वर्कशीट नंबर वन हमारा कंप्लीट हो जाता है, हमने सारे वर्कशीट के सॉल्यूशन कर दिया है, राइट। आई होप कि आप सबको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने मिस कर दिया है, अगर आप पहले ज्वाइन नहीं हुए थे या बाद में ज्वाइन हुए हैं या ज्वाइन होके आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था, तो डोंट वरी, ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, तब आप उसको वापस से उसको देख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो आप टेंशन मत लीजिए, पैनिक मत कीजिए, ये जो कॉपी है, ये जो वर्कशीट की कॉपी है, मैं ऑलरेडी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज चुका हूँ, आप उस वहाँ से उसको डाउनलोड करके नोटबुक में उसको लिख सकते हैं। लेकिन आई होप कि आप आज ये काम ख़त्म कर देंगे, आप आज ही के दिन में ये काम कंप्लीट कर देंगे, शाम से पहले पहले आप अपना ये नोटबुक का काम कंप्लीट कर देंगे, राइट। तो आज के दिन का एंड होने तक आपका टेक्स्ट बुक में पेज चैप्टर नंबर वन एंड नोटबुक में चैप्टर नंबर वन कंप्लीट हो जाना चाहिए, ओके, आपका टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। सो एक रिक्वेस्ट आई है कि सर पूरा दिखाइए, मेरे को स्क्रीनशॉट लेना है, तो ये ऑलरेडी बोर्ड पे है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर स्क्रीनशॉट रह जाता है या नहीं ले पाते हो या कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज, आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को फिर से प्ले करके देख सकेंगे, थोड़ी देर के बाद ये वीडियो वापस अपलोड हो जाएगा, तब आप उसको वापस से देख पाओगे, राइट, वेरी गुड, ओके फाइन। सो लेट अस मूव अहेड, नेक्स्ट वाला देखते हैं, वर्कशीट नंबर टू। वर्कशीट नंबर टू ऑलरेडी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेज सकता हूँ, राइट, भेज लिया है ऑलरेडी, मैंने भेज दिया है, तो आप वहाँ से आप देख सकते हैं, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, राइट। सो उसमें क्वेश्चन नंबर वन है, टिक टिक मार्क द फेस ऑफ द ब्रिक, जो भी फेस ऑफ द ब्रिक है उसको आपको टिक मार्क करना है। तो यू विल सी फोर शेप्स, राइट, 1 2 3 4 देख सकते हैं उसमें, फोर फेसेस, राइट, अलग अलग है, तो कौन से ब्रिक के फेस है वो आपको बताना है। तो नंबर वन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेता हूँ, नंबर वन, नंबर टू जो है दैट इज रेक्टेंगल, नंबर थ्री इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल एंड नंबर फोर इज
राइट, आपके सामने चार ऑप्शन है, राइट, 1 2 3 4. सो 1 2 3 4 आउट ऑफ दिस यू हैव टू टिक मार्क द फेस ऑफ द ब्रिक, जो ब्रिक का फेस हो सकता है, राइट. सो वेरी गुड, आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम किंजल वागेला. करेक्ट आंसर 2 एंड 3, उन्होंने कहा 2 एंड 3, वेरी गुड. एंड बाकी सब कह रहे हैं 2 2 2 इज करेक्ट. आपको दोनों आंसर एक साथ लिखना है, राइट, ताकि क्योंकि आप कौन से को टिक मार्क करेंगे वो आपको लिखना है. सो यू हैव टू राइट बोथ द आंसर्स टुगेदर. सो आई एम गेटिंग द आंसर्स फ्रॉम टू फ्रॉम सो मैनी पीपल एंड नाउ आई एम गेटिंग आंसर 2 एंड 3 बोथ फ्रॉम सम पीपल लाइक सानवी एंड योगेश पटेल एंड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. सो मैनी पीपल आर राइटिंग नंदिनी एंड वेरी गुड वेरी गुड. 2 एंड 3 बोथ आर फेसिस ऑफ द ब्रिक, वेरी गुड. सो आई एम पुटिंग अ टिक मार्क ओवर हियर. यहाँ पर आपका काम खत्म हो जाता है. ये भी पीरियोडिक टेस्ट में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा ब्रिक का फेस है. तो ये भी बहुत इजी है, आप सबको बहुत इजी लगेगा जब ये एग्जाम में भी आएगा, लेकिन आप प्लीज़ उसको ध्यान से देखकर ही अटेम्प्ट करिएगा. वेरी गुड वेरी गुड. थैंक यू. ये 2 मिनट टिक मार्क करना एंड आपका काम हो गया. वेरी गुड वेरी गुड. तो दिस क्वेश्चन कम्स फॉर 2 मार्क्स, कभी कभी वो 2 मार्क्स में भी आता है, तो आपके आसानी से 2 मार्क्स आपको मिल सकते हैं, राइट. सो वेरी इजी क्वेश्चन इट इज. वेरी गुड वेरी गुड. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया. सो आपकी नोटबुक में भी आप वही करेंगे, राइट. आपकी नोटबुक में भी आप 2 ऐसे 4 शेप ड्रॉ करके 2 जो सही शेप है उनको टिक मार्क कर देंगे. वेरी गुड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे. हाँ, कुछ लोग लिख रहे हैं कि सर बाद में आपका क्लास है, हमारा मीट पे क्लास होगा. तो आज आपका मीट पे कोई क्लास नहीं होगा क्योंकि ये क्लास थोड़ी सी लंबी चलेगी, तो आज आपका मीट पे क्लास नहीं होगा. लेकिन इस चैप्टर के डाउट्स के बारे में एक स्पेशली 1 आवर का मीट पे क्लास रखेंगे. इसके बाद जो भी आपका नेक्स्ट क्लास आता है तब हम एक गूगल मीट पे क्लास रखेंगे, और तब मैं सबकी नोटबुक और वो भी रैंडमली पूछूंगा कि आप अपनी नोटबुक दिखाइए या टेक्स्ट बुक दिखाइए, तब आपकी नोटबुक और टेक्स्ट बुक दोनों कंप्लीट होनी चाहिए, राइट. तो गूगल मीट पे आज हमारा कोई क्लास नहीं, डोंट वरी. आज इसी पे ही हमारे साथ यही लाइव ही हमारा क्लास है, जो अभी लाइव चल रहा है वही क्लास है. उसके बाद आपका तो मैथ्स का क्लास खत्म हो जाएगा, राइट. डोंट वरी. ओके, अभी भी मुझे कुछ आंसर्स मिल रहे हैं, आई होप कि मैंने आपको आंसर दिया है. और सानवी ने पूछा है कि सर टेक्स्ट बुक भरना है. यस बेटा सानवी, हमारा जो टेक्स्ट बुक है वो टेक्स्ट बुक कम वर्कबुक है, उसमें काम भी करना है और उसमें पढ़ाई भी करनी है, राइट. तो आपको आपका टेक्स्ट बुक भी अच्छे से कंप्लीट करना है. टेक्स्ट बुक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो आप उसमें से देख के उसको कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है. सानवी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. और बाकी कोई क्वेश्चन मुझे अभी चैट बॉक्स में नहीं दिख रहे हैं, तो आई विल आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज यू विल राइट इन टू द चैट बॉक्स. डोंट वरी. वेरी गुड, ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो. देखो एक पिक्चर दिया हुआ है, मैं आपको पिक्चर ही दिखा देता हूँ आपके बोर्ड आपके स्क्रीन पे. यू कैन सी द पिक्चर. 2 वॉल्स दी हुई है, राइट. 2 वॉल दिए, एक ऐसे ही लगा दिया है और एक ये वाला वॉल है. ध्यान से देखिए दोनों पिक्चर को ध्यान से देखिए आप लोग. हैव अ लुक, अच्छे से दोनों पिक्चर्स को ऑब्जर्व करिए. ये पिक्चर नंबर 1 है, ये पिक्चर नंबर 2 है. दोनों पिक्चर्स को अच्छे से देखिए, राइट. इसमें नंबर्स नहीं दिए तो मैं आपको नंबर लिख के दिखा देता हूँ कि कौन सा 1 है और कौन सा 2 है, राइट. सो आई विल शो यू. यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर नंबर 1, ये पिक्चर नंबर 2, राइट. ओके, मुझे आंसर्स भी आना शुरू हो गए, मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. ओके, सो दोनों पिक्चर्स को आपने ध्यान से देख लिया होगा. नाउ द क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन भी नीचे लिखा हुआ है. क्वेश्चन नीचे ये लिखा हुआ है कि विच वॉल इज स्ट्रॉन्गर, कौन सी वॉल स्ट्रॉन्गर है, राइट. तो आंसर मिलना शुरू हो गया क्योंकि फर्स्ट वॉल स्ट्रॉन्गर है. हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं हमारे टेक्स्ट बुक वाले पोर्शन में, दैट फर्स्ट वॉल इज स्ट्रॉन्गर. तो वो फर्स्ट वॉल जो है, और एक उसके साथ क्वेश्चन है कि फर्स्ट वॉल वाई इट इज स्ट्रॉन्गर, ये फर्स्ट वॉल जो है वो स्ट्रॉन्गर क्यों है. तो उसके बहुत सारे रीजन है, क्योंकि जो सेकंड वॉल है वो वीकर है क्योंकि वो होलो है, बीच में से खाली है ना, तो वो आसानी से टूट सकती है. दूसरी कि वो एक के ऊपर जो लाइन है वो एक के ऊपर एक लाइन आ रही है, राइट. सो द बॉन्डिंग इज नॉट स्ट्रॉन्ग.
So there are two reasons. The one is it is hollow, and the second reason is it is not, the bricks are not kept in a stronger position. इस तरह से ये stronger position है, इस तरह से उसको bonding नहीं है, right? तो इसलिए वो stronger नहीं है, वो weaker है, right? तो one is correct answer. ये जितने भी लोगों ने one one लिखा है, very good, correct answers हैं आप सबके. So this is a stronger wall, this is not a stronger wall, right? Very good. A big fat lie. इसी तरह से वह जो वर्कशीट टू है, आपका पूरा वर्कशीट नंबर टू आपका कंप्लीट हो चुका है. वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. आप सबको आंसर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं. आप सब सब लोग अच्छे से आंसर्स दे रहे हो मुझे चैट बॉक्स में. आई कैन सी इट. आई एम वेरी हैप्पी विथ यू ऑल. वेरी गुड, आपको बहुत सारे लाइक्स. आप बहुत अच्छा कर रहे हो. वेरी गुड. बहुत बढ़िया. वेरी गुड. आई एम वेरी हैप्पी. वेरी गुड. सो आई होप कि आपको वर्कशीट नंबर टू, राइट, वर्कशीट नंबर वन, वर्कशीट नंबर टू अच्छे से समझ में आ गया होगा. ओके, वेरी गुड. अभी भी फर्स्ट के आंसर्स आ रहे हैं. वेरी गुड, आप सबके आंसर्स थोड़े से लेट आ रहे हैं. मे बी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा. फर्स्ट इज सॉन्ग स्ट्रॉन्गर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. लेकिन आपको जब भी ये वीडियो मिलेगा तब बिना किसी प्रॉब्लम के ये आपको वीडियो दिखाई देगा. सो डोंट वरी. सो आपको वर्कशीट वन एंड वर्कशीट टू, लेट अस कम टू आवर नेक्स्ट वर्कशीट, दैट इज वर्कशीट नंबर थ्री. और ये है कैलकुलेटिव पार्ट. इसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि कल वाले सेशन में भी आपने बहुत एंजॉय किया था. आई नो ये जो कैलकुलेशन वाले पार्ट में आपको बहुत मजा आता है, तो ये वाली वर्कशीट में भी आपको बहुत मजा आएगा. कैलकुलेटिव पार्ट के लिए हमें ब्लैक बोर्ड को साफ कर देता हूं मैं पहले, ताकि हम अच्छे से वहां पर लिख पाए. बहुत इजी है कैलकुलेटिव पार्ट. टेक्स्ट बुक और कल जो हमने सीखा था उससे भी बहुत इजी है. आप बहुत जल्दी आंसर दे दोगे, मुझे पता है. So let us see worksheet number 3, question number 1. Right, question number 1 आपके स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ पहले, फिर आपको पढ़ के सुनाता हूँ. राइट, सी इफ अ ब्रिक कॉस्ट रुपीज 1, अगर एक ब्रिक का कॉस्ट रुपीज 1 है. बहुत ईजी है, सिर्फ सुनोगे आपको आंसर आ जाएगा. इफ अ ब्रिक कॉस्ट रुपीज 1, अ ब्रिक कॉस्ट रुपी 1, देन 500 ब्रिक विल कॉस्ट. राइट, अगर एक ब्रिक का कॉस्ट एक रुपया है, तो 500 का कितना होगा? राइट, एक का कॉस्ट 1 है. तो मैंने आपको जब आप थर्ड में थे तभी बताया था, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हो आपको रेट और वेट से मल्टीप्लाई करना है. यहाँ पे नंबर है तो रेट है, नंबर से मल्टीप्लाई करना है. ऐसे आंसर्स आना शुरू हो गए. मूक्स ने 500 ऑलरेडी लिख दिया, स्मिथ ने लिख दिया. वेरी गुड. सो आपको 1 से 500 को मल्टीप्लाई करना होगा. और हम ऑलरेडी सीख चुके हैं कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट द नंबर इटसेल्फ. अगर 500 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर 500 ही मिलेगा. तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक है उसमें हम आंसर लिख देंगे रुपीज 500. राइट, तो जो फर्स्ट आंसर है आप इजीली लिख सकते हैं, फर्स्ट वाला आंसर. आप कैसे करेंगे, रुपीज 1 को 500 ब्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएंगे रुपीज 500. राइट, रुपीज 500. वेरी गुड. ये कुछ लोग 5000 लिख रहे हैं, आई थिंक वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाएगी, हो गई होगी. विश्वराज आप भी शायद, आपके भी जीरो में प्रॉब्लम में हो गया होगा, या तो वेरी गुड. यस, और जो लोग 500 लिख रहे हैं, वेरी गुड. सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. अब जो नेक्स्ट आंसर है वो भी उतना ही इजी है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया है. देखो, वन ब्रिक, इफ द कॉस्ट ऑफ अ ब्रिक मतलब वन ब्रिक, राइट, इफ द कॉस्ट ऑफ अ ब्रिक इज रुपीज 2, इफ द कॉस्ट ऑफ अ ब्रिक इज रुपीज 2, अगर 2 रुपीज की एक ब्रिक है, देन कॉस्ट ऑफ 1000 ब्रिक, अगर 1000 ब्रिक अगर हम खरीदते जाए
तो 2 रुपीज के हिसाब से एक की है, तो कितने रुपीज का होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेम है, हम करेंगे रुपीज 1 की जगह पे रुपीज 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 1000। तो हमारा आंसर होगा रुपीज, तीनों जीरो हम पहले लिख सकते हैं राइट, एंड 2 1 2 रुपीज 2000। वेरी गुड। तो जितने लोग 2000 आंसर लिख रहे हैं, जैसे कि योगेश पटेल, रोहन, मोक्ष, सबके आंसर, नंदिनी, वेरी गुड, आराव, वेरी गुड, वेरी गुड, यू ऑल आर टू स्मार्ट, बहुत बिग फैट लाइक टू यू ऑल, आप बहुत स्मार्ट है, वेरी गुड, वेरी गुड, ये 2000 जो आंसर है आपका करेक्ट है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जितने भी लोग आंसर सब देने लग गए हैं, वेरी गुड, स्मित, आराव, जैनम, मो, मलिक वाले आई डी, मलिक फिरदोस वाले आई डी से विश्वराज, वेरी गुड, 2000 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ अ ब्रिक, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 brick इज 5 rupees, एक ब्रिक का कॉस्ट 5 rupees है राइट, पहले 1 से था, अब 2 था, 5 हो गया राइट। सो इफ द कॉस्ट ऑफ 1 brick इज रुपीज 5, देन द कॉस्ट ऑफ 2000 brick राइट, 2000 brick का हमें फाइंड आउट करना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3, एक ब्रिक का कॉस्ट हमें पता है 5, और हमें फाइंड आउट करना है 2000 bricks का राइट, 2000 ब्रिक का। तो फिर से हम वही करेंगे, 3 जीरो को पहले ही लिख देते हैं, रुपीस का सिंबल, 3 जीरो हम पहले ले जाते हैं, अब हमारे पास 5 and 2 बचा है, 5 2 10, आंसर इज 10,000 रुपीस, 10,000 राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ये जितने लोग मोक्स, वेरी गुड, जितने भी लोग रुपीस 10,000 लिख रहे हैं, वेरी गुड, जो 1000 है वो आंसर गलत हो जाएगा, 10,000 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, 10,000 इज करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा सा बोर्ड को पास ले लेता हूँ, बट यू कैन सी 10,000 इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड, बिग लाइक्स, बिग लाइक्स, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 brick इज रुपीज 3, अगर एक ब्रिक का कॉस्ट, क्वेश्चन नंबर 4, अब कॉस्ट है 3 rupees, अब कॉस्ट है 3 rupees राइट, देन कॉस्ट ऑफ 4000 brick, सेम वही प्रोसीजर है, 4000 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम पहले ही तीनों जीरोस रख सकते हैं, हम बिना किसी कैलकुलेशन के तीनों जीरोस हम इधर ले आएंगे, 3 and 4 बचा है, 3 4 12, सो योर आंसर विल बी रुपीज 12,000 राइट, 12,000 करेक्ट। मुझे सबसे पहली बार ये किंजल वागीला वाले आईडी से रुपीस और 12,000 दोनों मतलब पूरा आंसर मिला है, बाकी सिर्फ 12,000 और ऐसे ही आंसर मिल रहे थे, आई एम वेरी हैप्पी। ये जो किंजल वागीला वाले आईडी से जो भी बचा है, बहुत 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 हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने रुपीस का भी यूज़ किया, वेरी गुड सानवीर, योगेश पटेल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो जब भी आप आंसर लिख रहे हैं तो आपको एग्जाम में भी ये बहुत ध्यान रखना है कि आप रुपीज का सिंबल या आरएस कुछ तो लिख रहे हैं राइट, तो एग्जाम में भी आपको बहुत ध्यान रखना है, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू ऑल, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 विल सी, क्वेश्चन नंबर 5 में इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 brick इज 3000, देखो इफ द कॉस्ट ऑफ 1000 brick इज 3000 मतलब 1000 brick के 3000 है, देन द कॉस्ट ऑफ 1 brick हमें एक ब्रिक की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है राइट। तो कल मैंने आपको सिखाया था एक मेथड राइट, उसी मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो राइट, यहाँ तक तो हमें मल्टीप्लाई यूज किया था, अब हम क्या करेंगे, कल वाले मेथड का यूज करते हैं राइट, क्या करेंगे हम देखो, नंबर ऑफ ब्रिक्स तो आप कॉस्ट या तो रुपीज लिख सकते हैं राइट। सो आपको पता है 1000 ब्रिक्स के लिए 3000 रुपीस देने पड़ रहे हैं, तो आपको फाइंड आउट करना है 1 brick का कितना होगा राइट, 1000 ब्रिक के लिए 3000 है तो 1 brick का कितना होगा राइट, वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो बचा हुआ है उसको डिवाइड करेंगे, हमने कल के सेशन में भी इसको सीखा था राइट, सो वी डू इट ओवर हियर, यहाँ पर हम उसको कर देंगे 1 into 3000 1 into
3000 डिवाइड बाय 1000, राइट? 1 × 3000 डिवाइड बाय 1000. योगेश पटेल वाले आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी. तो आप डायरेक्ट 00 जितने भी तीनों हैं आप यहां से कट कर सकते हैं, या फिर 1000, 3000, 3000 ऐसे भी कर सकते हैं. अब आपके पास बचा है 1 और 3, नीचे 1 है. अगर वो डिनोमिनेटर में अगर 1 बचा हुआ है तो इट मीन्स इट हैज, मतलब सभी 1 का टेबल में आते हैं तो उसका कोई आप डायरेक्टली उसको रुपीज 3 लिख सकते हैं. तो 3/1 है तो इसका मतलब इट इज रुपीज 3. तो आपका आंसर है 3, रुपीज 3. तो जिसने जिसने भी 3 आंसर लिखा है, वेरी गुड. किंजल वागेला वाले आई डी से वेरी गुड. स्मित रोहित वेरी गुड. तो जिससे जिसका भी आंसर 3 आया है, वो आंसर नंबर 5 वो करेक्ट है, वेरी गुड. देन सेम 6 वाला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, 6 वाला क्वेश्चन आपकी बुक में, सॉरी आपके वर्कशीट में 6 वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं. 6 वाले क्वेश्चन में इफ द कॉस्ट ऑफ 2000 ब्रिक इज 8000, राइट? सेम क्वेश्चन है. नंबर ऑफ ब्रिक्स पहले लिख देंगे, आई थिंक आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं ऊपर वाला रब करके वहाँ पे आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ. आप अगर आपने ये नोट नहीं किया है कहीं पे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पहले. आई विल गिव यू 30 seconds फॉर टेकिंग स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल सॉल्व द 6 और 7. आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक. ओके, थैंक यू. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 6, वो भी सेम 5th जैसे ही है, सिर्फ रेट्स का डिफरेंस है. तो मेथड हम वही यूज करेंगे. 6th क्वेश्चन, नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड रुपीस, राइट? नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड रुपीस. सो अगर हम 2000 ब्रिक्स खरीदते हैं तो हमें 8000 रुपीस पे करना पड़ता है. 2000 bricks पे 8000 rupees, right? Then cost of one brick. एक brick का कितना होगा वो हमें पता नहीं है, इसलिए हम वहाँ पर question mark रख रहे हैं. ये दोनों को हम करेंगे multiply और ये हो जाएगा divide, right? So, 1 multiply by 8000 divide by 2000, right? फिर से वही, आप 2 × 4 = 8 करके भी कर सकते हैं, या फिर आप 00 को कट कर लीजिए. अब 2 बचा है, 8 बचा है, 2 × 4 = 8, राइट? सो आंसर विल बी 4 × 1 = 4, रुपीस 4. आपका आंसर रुपीस 4 होगा, वेरी गुड. जो 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 लोग रुपीस 4 लिख रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. कुछ लोग 3 और 8 लिख रहे हैं, वो लोग फिर से अपना कैलकुलेशन चेक करें, राइट? अगर 2000 ब्रिक का 8000 रुपीस पे करना पड़ रहा है तो 1 ब्रिक का कितना होगा, तो 8000 डिवाइड बाय 2000 करेंगे, यू विल गेट योर आंसर, राइट? ओके, नाउ 7th क्वेश्चन देखते हैं. 6 के बाद 7th, इफ यू सी द 7th क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स इज रुपीस 600, राइट? वैसे ही सेम क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ब्रिक्स कॉस्ट ऑफ 200 ब्रिक्स, अगर हम 200 ब्रिक्स खरीदते हैं तो हमें 600 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं. देन द कॉस्ट ऑफ 1 ब्रिक, एक ब्रिक का हमें फाइंड आउट करना है तो कितना होगा. सो सिंपल है, सेम वही मेथड, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे. सो 1 मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइड बाय 200, राइट? सो अगेन वही मेथड, 00 को कैंसिल करेंगे, 2 × 3 = 6 एंड 1 × 3 = 3, that is rupees 3, 7th का आंसर, राइट? वेरी गुड. दीप्ति ब्रह्मंड वाली आईडी से वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यू आर डूइंग वेल.
3 is the correct answer. Very good. So Deepa Trivedi wali ID se, Ishwardhan Gadvi wali ID se, very good, very good, very good. Bahut badhiya, very good, very good. Very good. Sabke answers correct hai, 3 is the correct answer. Right? So next question bhi kuch waisa hi hai. Yahan par dekhiye. Complete the table. Next question. Right? So next question agar aap dekhenge to number of bricks aapko diye, cost of bricks aapko diye aur aapko kitni bricks khareedni hai wo bhi aapko diye, right? So hum solve kar lenge usko ek minute mein fatafat. Bahut easy hai. Same yahi method se aap usko solve kar payenge. Main bata deta hu kaise karenge. तो नेक्स्ट आपको कैलकुलेशन में और भी ज्यादा मजा आएगा क्योंकि वो इससे एक स्टेप थोड़ा सा ज्यादा है. आपको वन ब्रिक का फाइंड आउट करना आ गया तो आगे भी वो इतना ही इजी है. इसीलिए मैंने आपको कल ये मेथड बताई थी ताकि आपको ये थोड़ा सा इजी लगे. और ऐसा एक क्वेश्चन जरूर 4 मार्क्स का आपके एग्जाम में आएगा, जरूर आएगा, पक्का आएगा. राइट जयनम, वेरी गुड. यस, सो देखिए नंबर ऑफ ब्रिक्स दिए आपको, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स दिए और आपको कॉस्ट ऑफ ब्रिक फाइंड आउट करनी है नई वाली. राइट तो यहाँ पर भी आप यही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है वो हम सॉल्व करते हैं. सबसे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ ब्रिक और यहाँ पर लिख देंगे रुपीस. राइट फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं जिसमें 1000 ब्रिक्स का 6000 रुपीज है. राइट तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सिंपल 1000. यहाँ पे मैं लिखूंगा 6000 और हमें फाइंड आउट क्या करना है, 500 ब्रिक्स का फाइंड आउट करना है. हमें फाइंड आउट करना है 500 ब्रिक्स का. राइट सो 1000 का दिया हुआ है और 500 का हमें फाइंड आउट करना है. तो हम फिर से वही मेथड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे. राइट सो व्हाट वी विल डू, 500 मल्टीप्लाई बाय 6000, सर हाँ करेक्ट, 500 मल्टीप्लाई बाय 6000 डिवाइड बाय 1000. राइट तो यहां पर हम 00 कैंसिल कर सकते हैं. ठीक है अब हमारे पास बचा है 500 मल्टीप्लाई बाय 6. तो दोनों जीरो को हम पहले ही लिख देंगे रुपीस, दोनों जीरो को हम पहले लिख देते हैं 500 वाले. और अब हमारे पास बचा है 5 और 6, दोनों जीरो को ऑलरेडी लग दिया है, 5, 6, 30 हमारे लिए इजी हो गया. हमारा आंसर हो गया रुपीस 3000. हमारा फर्स्ट का आंसर हमें मिल गया रुपीस 3000. राइट नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, थोड़े से सिर्फ नंबर्स चेंज है. अगर आप देखेंगे, देखो कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स हमें दिए हैं 2000 ब्रिक्स के लिए 18000 रुपीज़ दिया है और 1000 के लिए हमें फाइंड आउट करना है. राइट सो सेकेंड वाला हम सॉल्व करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स एंड रुपीज़. राइट तो फिर से मैं बता दूं आपको, देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स 2000 है एंड कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स 18000 है. नंबर ऑफ ब्रिक्स 2000 है, कॉस्ट ऑफ ब्रिक्स 18000 है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2000, यहाँ पर लिखेंगे 18000 और हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है 1000 ब्रिक्स के लिए. राइट 1000 ब्रिक्स के लिए. सो हम 1000 यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर हमें उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है, इसलिए हमें नहीं पता है तो हम रखेंगे क्वेश्चन मार्क. अब हम क्या करेंगे, जो क्रॉस में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और जो बच जाता है उसका, उसको हम डिवाइड करेंगे. तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 18000 अपॉन 2000. राइट सो अगेन हम यहाँ पर 00 कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ पर 18 बचा हुआ है, यहाँ पे 2 बचा हुआ है. 2 9s are 18, 2 9s are 18 एंड यहाँ पर अब ये दोनों नंबर बचे हुए हैं, 00 हम पहले ही रख देंगे. राइट 9 1s are 9
आवर आंसर विल बी रुपीज 9000. हमारा जो आंसर होगा वो होगा रुपीज 9000. वेरी गुड, वेरी गुड. लास्ट वाला क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं और फिर 5 मिनट्स में हमारा ये सेशन ओवर हो जाएगा. एक लास्ट क्वेश्चन, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहाँ पर लिख देता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 सेम है. 6000 ब्रिक्स के लिए 24000 रुपीज है. 6000 ब्रिक्स के लिए 24000 रुपीज, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 3 टू का 6000 ब्रिक्स के लिए 24000 रुपीज पे करना पड़ रहा है. 6000 के लिए 24000, तो 3000 के लिए हाउ? सो फॉर 3000 इतना ही सिंपल है. आप क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड, राइट? सो दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे हम. 3000 मल्टीप्लाई बाय 24000 और जो बचा हुआ नंबर है 6000 वो डिवीजन. फिर सिंपल सा 00 को हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से हटाएंगे. 6.24, 6 4s are 24. 6 के टेबल में 24 4s are होता है, राइट? सो 6 4s are 24. सो 3000 मल्टीप्लाई बाई 4. तो पहले ही हम तीनों जीरोस रख देते हैं, 1, 2, 3. तो हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज 12. 3 4s are 12. सो योर आंसर विल बी रुपीज 12000, राइट? सो हियर एंड्स योर वर्कशीट नंबर 3. वर्कशीट नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है यहाँ पर. नेक्स्ट वर्कशीट आपका वर्कशीट नंबर 4 बहुत ही क्रिएटिवली आप करेंगे, क्योंकि बहुत ही इजी है और ये काम आपको खुद करना है. वर्कशीट नंबर 4 में देखिए, मेक एन आर्क यूजिंग ब्रिक, राइट? तो हमने ऑलरेडी चैप्टर में देखा था कि आर्क क्या होता है. तो आपको क्या करना है, एक आर्क बनाना है और ब्रिक ड्रॉ करके उसके अंदर कलर भरना है, राइट? सो दैट इज अ वेरी इजी वर्क फॉर यू ऑल. देन ड्रॉ टू वॉल पैटर्न्स. आपको दो वॉल पैटर्न्स ड्रॉ करनी है, वो भी बहुत इजी है. आप खुद से अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे, टू वॉल पैटर्न्स. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक एनी टू फ्लोर पैटर्न यूजिंग कलर पेपर एंड स्टिक बिलो. आप अपनी नोटबुक में एक पेज पर फ्लोर पैटर्न, राइट? फ्लोर पैटर्न बनाएंगे यूजिंग पेपर. आपके घर में जो भी ओल्ड न्यूज़पेपर हो या फिर कोई कलर पेपर हो, उसका यूज़ करके आप फ्लोर पैटर्न बनाएंगे और स्टिक इट इनटू योर नोटबुक. सो दैट्स ऑल फॉर ऑल द 4 वर्कशीट. आई होप आप सबको ये चारों वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी. अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है, वी विल हैव अ गूगल मीट क्लासरूम, राइट? नेक्स्ट जब भी हमारा पीरियड होगा तब हम एक गूगल मीट क्लासरूम रखेंगे और फिर इसके सारे डाउट्स सॉल्व करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. आपने ये पूरे चारों वर्कशीट अच्छे से देखी होंगी. इन चारों वर्कशीट को आप अच्छे से अपनी नोटबुक में कॉपी करेंगे, ठीक है? और उतने ही अच्छे से लिखेंगे. ये चैप्टर नंबर 1 बहुत अच्छे से लिखना प्लीज़, राइट? और ये आपके एग्जाम के व्यू पॉइंट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको अच्छे से खुद से पहले करना. और अगर आपको नहीं समझ में आया, आप इसी वीडियो को फिर से देख सकते हैं. हम जब गूगल मीट पे मिलेंगे तब फिर से मुझे पूछ सकते हैं. थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग. इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल, अगर आपको सब्सक्रिप्शन नहीं किया है अपने चैनल का, तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि फिर से जब मैं आपको ऐसे वीडियो भेजूँ तो आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.